हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं क्योंकि बिहार से एक बड़ा समर्थन एनडीए की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह से बिहार के विकास और इस एनडीए की सरकार को आप देख रहे हैं जो तीसरे टर्म में आ रही है? देखिए, बिहार की जनता, देश की जनता का जो जनादेश है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मिला है और प्रधानमंत्री जी ने इस जनादेश का सम्मान करते हुए विकसित भारत कि जो उनका संकल्प है उसको साकार करने के लिए सभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने खुलकर समर्थन दिया और कहा कि आपके हर निर्णय में हम साथ रहेंगे और आप राष्ट्र प्रथम की भाव में जो भी कदम उठाएंगे पूरे लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और बिहार तो ऐसे भी राष्ट्र की जब बात आती है तो आगे बढ़कर वो समर्थन ही नहीं करता है, हर बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। विपक्ष इंतजार कर रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन देखा गया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद ले रहे थे, पांव छू रहे थे, तो ये किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? ये विपक्षी में जो बैठे हुए चोर दरवाजे से सत्ता में आते हैं, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हौसला को बुलंद करते हुए उन्होंने जो स्नेह व्यक्त किया है, उन्होंने जो मनोबल को बढ़ाया है, आज स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव था, जो प्रेम था, वह प्रेम का इजहार उन्होंने किया है अपने शब्दों से और उन्होंने कहा है कि हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, हर निर्णय में साथ रहेंगे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जो बड़ी मांग आप लोगों की रही है? और देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत में विकसित बिहार के बिना अधूरा रहेगा और बिहार को विकसित बनाना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों का संकल्प है और यह संकल्प हमेशा साकार होगा। तो जाहिर तौर पे बिहार के विकास को लेकर बात करते हुए हमसे और आज के एनडीए की बैठक पर बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मदन कुमार, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं क्योंकि बिहार से एक बड़ा समर्थन एनडीए की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह से बिहार के विकास और इस एनडीए की सरकार को आप देख रहे हैं जो तीसरे टर्म में आ रही है? देखिए, बिहार की जनता, देश की जनता का जो जनादेश है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मिला है और प्रधानमंत्री जी ने इस जनादेश का सम्मान करते हुए विकसित भारत कि जो उनका संकल्प है उसको साकार करने के लिए सभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने खुलकर समर्थन दिया और कहा कि आपके हर निर्णय में हम साथ रहेंगे और आप राष्ट्र प्रथम की भाव में जो भी कदम उठाएंगे पूरे लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और बिहार तो ऐसे भी राष्ट्र की जब बात आती है तो आगे बढ़कर वो समर्थन ही नहीं करता है, हर बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। विपक्ष इंतजार कर रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन देखा गया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद ले रहे थे, पांव छू रहे थे, तो ये किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? ये विपक्षी में जो बैठे हुए चोर दरवाजे से सत्ता में आते हैं, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हौसला को बुलंद करते हुए उन्होंने जो स्नेह व्यक्त किया है, उन्होंने जो मनोबल को बढ़ाया है, आज स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव था, जो प्रेम था, वह प्रेम का इजहार उन्होंने किया है अपने शब्दों से और उन्होंने कहा है कि हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, हर निर्णय में साथ रहेंगे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जो बड़ी मांग आप लोगों की रही है? और देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत में विकसित बिहार के बिना अधूरा रहेगा और बिहार को विकसित बनाना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों का संकल्प है और यह संकल्प हमेशा साकार होगा। तो जाहिर तौर पे बिहार के विकास को लेकर बात करते हुए हमसे और आज के एनडीए की बैठक पर बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मदन कुमार, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली।